भारत कुछ टाइम से एक्सप्रेसवे बनाने की दौड़ में लगा हुआ है और ये रफ्तार बढ़ती जा रही है। मगर एक्सप्रेसवे क्या होते हैं और वो हाईवे से कैसे अलग होते हैं, चलिए जानते हैं। एक्सप्रेसवेज हाईवेज़ की सबसे हाई क्वालिटी होते हैं और इनका हाई स्टैंडर्ड होता है। एक्सप्रेसवे ज़मीन से 15 से 20 फुट ऊपर होते हैं, जबकि हाईवेज़ सिर्फ 1 से 2 फुट ऊपर होते हैं। ऐसा करने से एक्सप्रेसवे को कहीं से भी एक्सेस करने में मुश्किल होती है और इन्हें सिर्फ एक्सेस पॉइंट से ही एक्सेस किया जा सकता है, जबकि हाईवेज़ में आप कहीं से भी घुस सकते हो, यानी कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। ऐसा करने से हाईवेज़ में एवरेज स्पीड कम हो जाती है और वहीं आप एक्सप्रेसवेज़ में नॉन स्टॉप चल सकते हो, जिसकी वजह से एवरेज स्पीड ज़्यादा होती है हाईवेज़ के कंपैरिजन में। इसके अलावा एक्सप्रेसवे को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिसमें कोई शार्प टर्न्स नहीं होते हैं, जिससे व्हीकल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के ऊपर चलते रहते हैं लगातार बिना स्पीड कम किए। भारत एक्सप्रेसवे क्यों बना रहा है? क्योंकि एक्सप्रेसवे बनाने के बड़े फ़ायदे होते हैं, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। एक्सप्रेसवेज हाई स्पीड होने के साथ साथ हाई एवरेज स्पीड भी होते हैं, जिससे समय की बचत होती है और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होती है। इससे इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस शहर की महंगी ज़मीन को छोड़कर शहर से दूर ज़मीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, जहाँ ज़मीन की कीमत काफ़ी कम होती है। और भारत को यही तो चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम हो। अभी भारत में 100 रुपये की माल की ढुलाई में 15 से 20 रुपये लगते हैं, जो कि इन एक्सप्रेसवे के बाद 8 से 10 रुपये तक हो जाएगी और इंडिया के मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। एक्सप्रेसवेज हाईवे से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं ट्रैफिक हैंडल करने में। एक 4 लेन एक्सप्रेसवे ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकता है 4 लेन हाईवे के कंपैरिजन में। दिल्ली मुंबई के बीच में अभी 24 घंटे लगते हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी मात्र 12 घंटे की हो जाएगी। एक्सप्रेसवेज भारत के शहरों को और पास लेके आ रहे हैं और उनके बीच की दूरी को कम कर रहे हैं। ऐसा होने से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तेज़ी से होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा एक्सप्रेसवेज मिलिट्री के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। ये ट्रूप्स और इक्विपमेंट्स की डिप्लॉयमेंट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आगे आने वाले टाइम में हम देश के बॉर्डर एरियाज़ में भी एक्सप्रेसवे देख सकते हैं। एक्सप्रेसवे के बेनिफिट के साथ जान लेते हैं कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एक्सप्रेसवे बनाने के सबसे बड़े डिसएडवांटेज हैं इनकी कॉस्ट। ये बहुत महंगे बनते हैं। औसतन जहाँ 1 किलोमीटर 4 से 6 लेन हाईवे बनाने की कॉस्ट 10 से 20 करोड़ आती है, वहीं 1 किलोमीटर 4 से 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाने की कॉस्ट 50 से 100 करोड़ तक आ सकती है। यानी ज़्यादा कॉस्ट के साथ आपको टोल भी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए एक्सप्रेसवे वहीं कामयाब हो सकते हैं जहाँ का ट्रैफिक कम से कम 50,000 PCU यानी 50,000 पैसेंजर कार यूनिट है। इंडिया में ट्रैफिक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इंडिया दुनिया में ऑटो सेक्टर की 4थी सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा कारें बिकती हैं और वो दिन भी दूर नहीं है जब इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ऊपर कारें बिकेंगी। तो भारत में एक्सप्रेसवे का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है और आने वाले टाइम में हमें और एक्सप्रेसवे दिखते रहेंगे। आपकी क्या राय है एक्सप्रेसवेज पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको एक लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए।